महान बनने की चाहत तो हर एक में है, पर पहले इंसान बनना अक्सर लोग भूल जाते हैं। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ थिंकिंग पावर का भी होना बहुत ही अनिवार्य है। आप महान बनना चाहते हैं, सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, लेकिन सूर्य की तरह जलना नहीं चाहते। ईगल की तरह आसमानों की सैर तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी तरह मेहनत करना नहीं चाहते। जहाँ एक साधारण पक्षी का बच्चा जन्म लेने के बाद घोंसले में आराम करता है, वहीं ईगल अपने बच्चे को पंजे में दबोचकर दूर आसमान में लेकर उड़ जाती है और अब उसे बताती है कि उसकी दुनिया क्या है, वह कौन है और क्या नहीं कर सकता जो वह कर सकता है। आप उसकी तरह मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन बादलों को छूना चाहते हो। कल टीचर क्या पढ़ा रहे थे ये भूल जाते हो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है ये भूल जाते हो, लेकिन कल की देखी हुई मूवी में क्या हुआ था, मार्केट के समोसे कैसे थे, उनका स्वाद कैसा था, ये याद रहता है। जहां फोकस करना चाहिए वहां के बजाय हर एक जगह पर आप फोकस करते हो, ये डिसाइड नहीं कर पाते कि लाइफ में करना क्या है, लेकिन कौन सी मूवी देखना है, कौन सा खाना खाना है, ये डिसाइड कर लेते हैं। इसके लिए कई सारे मोटिवेशनल वीडियो भी देखने पर कुछ समय तक तो एनर्जी रहती है, उसके बाद फिर से नॉर्मल लाइफ हो जाती है। मोटिवेशन एक इंग्लिश मेडिसिन की तरह होती है, जब तक कि बॉडी पर असर रहा तब तक एनर्जी देती है और उसके बाद फिर नॉर्मल लाइफ हो जाती है। जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए हमारे आपके अंदर वो आग होनी चाहिए, ना कि जलानी पड़े। एक बात हमेशा याद रखना, जलाई गई आग एक निश्चित समय पर बुझ जाती है, लेकिन स्वयं से लगी हुई आग बुझती नहीं है। अपने आप को, स्वयं को पहचानो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है और तुम बनना क्या चाहते हो और तुम हो क्या। सूर्य की तरह चमकने के लिए जलना सीखो, पहले नदी की तरह धीरज रखकर बहना सीखो, समंदर खुद ब खुद मिल जाएगा। दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन पॉसिबल भी कुछ भी नहीं है, उसे पॉसिबल बनाना पड़ता है। बार बार ऐसी मेडिसिन लेने से बेटर है कि खुद को उसके काबिल बना ले, खुद ही ऐसी मेडिसिन बन जाए कि लोग तुम्हारा उदाहरण दें।